माशाल्लाह बहुत ही अच्छी अफ्तार रही है। वीडियो पूरी देखना गाइस। बस कमेंट करके जरूर बताना कि भाई वीडियो आपको कैसी लग रही है। ये पानी वाह क्या लहरें हैं। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस 0016 दिस इज अनस शेख। तो कैसे हैं आप, होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज एक स्पेशल व्लॉग बना रहे हैं दोस्तों की महफिल के साथ और अभी उनका मेरे पास फोन आया है तो पहले उनके पास चलते हैं फिर डिस्कस करते हैं कि भाई मतलब कहाँ जाना है कहाँ नहीं, फिर करते हैं बात। चलो उनके पास चलते हैं, उनसे मिलाता हूँ आपको। बड़े दिनों के वो भी ब्लॉग में नहीं आए, रमजान की वजह से मैं ब्लॉग भी नहीं बना रहा जैसे आपको पता है, तो पहले उनके पास चलते हैं। तो दुजाना भाई के घर के बाहर पहुंच चुके हैं और हमारे अर्श भाई हमें यहाँ पर मिले हैं, तो अभी आपको अर्श भाई से मिलाते हैं। ये रहे अपने अर्श भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं जनाब? बस अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। आप तो बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। अरे शुक्रिया भाई शुक्रिया। ये खड़ी है अर्श भाई की, क्या नाम है इसका? ये अर्श भाई की हीर है, दोस्तों की महफिल ने इसको नाम दिया हीर। तो गाड़ी में बैठ चुके हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, तो बस मार्केट में चल रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए क्योंकि कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं एंड देखते हैं अभी कहाँ पे जाना है, कोई डिसाइड नहीं किया जाने के लिए, बाकी अभी सामान लेते हैं। तो फ्रूट की स्टॉल पे आ चुके हैं, ये देखिए यहाँ पर हर प्रकार के फ्रूट मिलेंगे आपको। इस भाई ने पूरे एक किलो एग्जैक्ट तोले हुए भाई ने, देख एक एक भी कमी एक ग्राम दिए उसने तोले इसने। एक्चुअली बात यह है अमजद भाई यहीं पर लग गए हैं फ्रूट बेचने के लिए। फिलहाल टाइम 4 बज चुके हैं ये देखिए आप। सो अब हम जा रहे हैं रोजा तैयार करने के लिए, लगभग आपको मैंने टाइम दिखाई दिया 4 बज चुके हैं, तो जाते जाते एक घंटा लग जाएगा ठीक है। तो एक घंटा वहाँ पहुँचने में सामान सामून काटने कुटने में सब कुछ हो जाएगा, जैसे आपने देखा हमने फ्रूट्स ले लिए हैं। वीडियो पूरी देखना गाइज और जो भी चैनल पे नवा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना कि भाई वीडियो आपको कैसी लग रही है। जब तक आप कमेंट करके नहीं बताओगे भाई कैसी वीडियो मेरे को पता नहीं चलेगा, तो जैसे भी आपको लगे कि भाई इसमें ये कमी है तो कमेंट जरूर करना। वो बीकानेर पे आए हैं रसमलाई लेने के लिए, रसमलाई पैक हो रही है हमारी, फ्री हमारी रसमलाई पैक। रसमलाई के पीस देखिए कितने स्वादिष्ट हैं, बाकी अभी तो मेरा फास्ट है अभी हम खा नहीं सकते, फास्ट खुलने के बाद खाएंगे। तो सब सामान लेके आ चुके हैं, बस थोड़ा सामान रह गया है जो कि हमने बनने के लिए दिया हुआ है, बाकी मेरे सारा सामान ले लिया। और इस टाइम हम दुजाना भाई घर के बाहर खड़े हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा पीछे अपने अर्श भाई ये हैं, ये देखिए आपको देख रही है। कोई बात नहीं देखने दो। सो बस अब भाई और आने लग रहे हैं, फिर जब वो आते हैं फिर चलते हैं। सो गाइस बैठ चुके हैं अपनी कार के अंदर, ये साहिल भाई, ये फरीद भाई, ये अपने इलियास भाई, सारे भाई आ चुके हैं, बाकी दूसरे भाई बैठे हैं उस कार के अंदर, ये देखिए ये खड़ी है। बस थोड़ा फ्यूलिंग फलिंग कराते हैं अभी कार के अंदर फिर चलते हैं। चलो भाई लेट्स गो, लाते हैं यहाँ से फ्यूल डीजल। देखो क्या रेट हो रहा आपको, क्या रेट हो रहा है डीजल? 99 हो रहा, ये देखो 97 रुपए। रियल जूस ले लिया है, लस्सी के पैकेट ले लिए हैं और सैंडविच ले लिए हैं, ये देखिए। बस ये सब सामान लेके यहाँ से चल रहे हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो गाइस ये देखिए वेदर कितना अच्छा रहा है और साइड में बिल्कुल ग्रीनरी ग्रीनरी है ये देखिए, और पीछे गया संजू चोला ये देखिए। बस अभी एक अपने बाइक की वेट हो रही है इसलिए थोड़ा आराम आराम चल रहे हैं। तो पीपली माजरा रुके हैं, ये देखे ट्रैफिक चल रहा है पूरी तेजी से, मेन रोड पर लिए रुके हैं और उनकी वेट हो रही है दोस्तों की महफिल की सिर्फ, और उनका जो हेड है जो हमारे साथ है हेड टू वही है, ये देखे हेड वन खड़े हैं। तो दुजाना भाई कार आ गई आपकी महफिल? तो थोड़ा कार में प्रॉब्लम हो रही है भाई की। अच्छा पहुँचने वाला भी कौन कौन? अच्छा अच्छा, तो जैसे आपने सुना दुजाना भाई ने कहा थोड़ी कार में प्रॉब्लम हो रही थी, बस आने वाली है। ये अपने फरीद भाई हैं, फरीद भाई भी तो आए आज हमारे साथ। तो फरीद भाई आपको गर्मी तो नहीं लग रही? बिल्कुल नहीं लग रही। हाँ मेरा दोस्त बस ठीक है, यही करिए तुम काम दुनिया में। सो अब हम यहाँ पर नमाज पढ़ने आए हैं, अब यहाँ हम नमाज पढ़ेंगे अपनी मस्जिद है, बिबली मस्जिद है ये यहाँ की मस्जिद है। सो अभी हम नमाज से फारिग हो चुके हैं, नमाज हमने पिपली माजरे मस्जिद में पढ़ी है, तो बस अब चलते हैं आगे हथनी कुंड, फिर देखते हैं वहाँ पर क्या प्रोग्राम है, जगह देखते हैं कि जगह भी तो देखनी पड़ेगी अभी जाके। चलो रुके हैं स्ट्रॉबेरी लेने के लिए, और ये देखिए स्ट्रॉबेरी
कैसी है और इसे देखिए। तो अभी हमने ताजे वाला पार कर दिया है, बस अब हम जा रहे हैं हथनी कुंड। तो गाइस ये देखिए वेदर कितना अच्छा हो रहा है यहाँ पर, और हम हथनी कुंड पहुंच चुके हैं। सो ये देखिए बैरिज पार कर रहे हैं अभी हम। वाव, व्हाट अ व्यू गाइस। गाइस ये देखिए यूपी में एंट्री कर दिया अब हमने। ये देखिए ग्रीनरी ग्रीनरी कितनी है यहाँ पर, बाकी व्यू एक नंबर है। और रोड यहाँ की बहुत मस्त है, लगभग 4 साल हो गए रोड यहाँ की मस्त बनी हुई है, उससे पहले बहुत खट्टे थे यहाँ। ये देखिए अपनी गाड़ी यहाँ पर पहुँच चुकी है, अभी दूसरी गाड़ी की इंतजार हो रही है। बाकी आपको मैं व्यू दिखाता हूँ, ये देखिए वाह क्या सनसेट है। ये दूसरी कार, ये देखिए वेलकम भाई वेलकम, बड़ी जल्दी आ गए आप। ये देखिए सामान निकालना स्टार्ट कर दिया अपने भाइयों ने सब ने। ये देखिए पब्लिक इकट्ठी कर दी उन्होंने यहाँ। ये देखिए आप कितनी अच्छी जगह है चलने के लिए यहाँ पर। और ये देखिए मेरा अर्श मिर्चा, अरे माशाल्लाह मिनट पकड़ना इसको, मैं चल रहा हूं। सो गाइस ये देखिए आप जगह कितनी अच्छी है आपको मैं दिखाता हूँ। तो गाइज अभी हम यहाँ से नीचे जाना है, अभी हम फिलहाल नीचे चल रहे हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि रोजे खुलने में लगभग 6:22 हो गए हैं, लगभग 20-22 मिनट रह रहे हैं। ये देखिए सीढ़े कितनी अच्छी हैं, बिल्कुल नैरो सी हैं, पर मजा आ रहा है। अपने भाई आ रहे हैं पीछे से, ये देखिए साहिल भाई आ जाओ, भाई आ जाओ अब यहाँ आ गए। ये देखे ओ भाई व्हाट अ व्यू गाइस, व्हाट अ व्यू। ये अपने भाई यहाँ से नीचे उतर चुके हैं। बाकी ये जो लोकेशन है इसका आइडिया अपने साहिल भाई को था, बुलाया हमें यहाँ पर। बाकी लोकेशन मस्त है गाइस, आज तो पैरों से ऑफरोडिंग हो चुकी है। ये देखिए पत्थर ही पत्थर है नीचे, अगर पत्थर पुत्थर चुभ गए ना मजा आएगा पैर में, इसलिए देख के चलना पड़ रहा है गाइस। अगर आपको दिखाऊं ऊपर साइड से व्यू देखिए ऐसा आ रहा है, और लेफ्ट साइड से व्यू भी देखिए ये व्यू है। बाकी नीचे देखिए आप सब मजा आ रहा है। और ये रिवर छोटी सी, अपने अमजद भाई पीछे व्लॉगिंग करते आ रहे हैं बड़े आराम से संतुष्ट। अमजद भाई लोकेशन कैसी लगी आपको बताना, मजा आया भाई? चलो भाई भाई वजू करते हुए और पानी में एंजॉय कर रहे हैं बिल्कुल। ये देखिए साकिब भाई फुल एंजॉय हो रहा आपका। ये देखिए पत्थर ही पत्थर नीचे ऑफ रोडिंग होते हुए, थोड़ी थोड़ी थकान हो चुकी है ऑफ रोडिंग के चक्कर में, बट डोंट वरी अभी हमें आगे जाना है, अभी थोड़ी सी दूरी रह गई बस, वहाँ चलते हैं। हम आए हैं वहाँ से ऊपर से, पहले वहाँ गए, वहाँ से वहाँ गए, वहाँ से वहाँ जाना है क्योंकि पीछे पानी था। गाइज मेरे साथ ना एक चीज़ हुई है, मैं आज ना नीचे से फ्लैट शूज डाल के आया हूँ, आज मैं फ्लैट शूज डाल के आया हूँ, और आज मतलब मेरे को थोड़े हाई वाले शूज डाल के आने थे स्पोर्ट्स वाले, और मैं वो ही डाल के आया। मतलब मेरा दिमाग ख़राब था क्योंकि यहाँ पे पत्थर है, फ्लैट शूज नीचे से पत्थर चुभ रहे हैं बार बार, पर मेरे अंगूठे ना जवाब दे रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि नीचे से पत्थर चुभ रहे हैं। पत्थर देखिए कितने किले आए देखिए, ओ भाई ओ भाई। तो गाइज कड़ी मेहनत के बाद हम पहुँच चुके हैं पानी के पास, जहाँ पे हमें बैठना था, रोजा अफ्तार करना था अपना। रोजा अफ्तार करने में लगभग 25, आपको पीछे से पानी की साउंड आ रही होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना साउंड कैसी है। और ये देखिए पानी, वाह क्या लहरें हैं। ये देखिए दो भाई यहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं, और एक कुछ हुआ है यहाँ पर, हुआ ही है कि फ्रूट सब उठ जाए, बस जिससे उसको काटेंगे ना चक्कू वो कार के अंदर ही भूल जाए। अब कोई जाने रहा नहीं दूर के लिए, बाकी देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता है, अभी कुछ प्लान कर रहे हैं, देखते हैं किसको भेजते हैं। गाइस वो देखिए सूरज छुप चुका है, ढल चुका है, एंड पानी की आवाज़ देखिए कितनी अच्छी आ रही है। और अब इलियास भाई गए हैं अपने चक्कू लेने के लिए, फिर सामान कटेगा फिर खाएंगे इस भाई, और लगा रहे हैं दस्तरखान सारे भाई। गाइस आज यहाँ पे हफ्ते होगी, इतना प्यारा व्यू और इतनी सुनहरी आवाज पानी की। दोनों भाई बंद कर रहे हैं दस्तरखान लगा रहे हैं माशाल्लाह। गाइस ये देखिए दस्तरखान पे सारा सामान लगा दिया है, बस इलियास की वेट हो रही है, चक्कू लेके आ रहा जैसे वो, फिर सामान को काटेंगे और फिर प्लेट प्लेट में लगाएंगे। बाकी ये रसमलाई, ये स्प्रिंग रोल, ये सैंडविच, ये लस्सी है, ये तरबूज ताज़ा। चलो भाई यहाँ पे धुल रहे हैं अंगूर आज। भाई चक्कू लिया है अपना इलियास भाई, वो आ रहा है देखे दूर से, भाई कड़ी मेहनत है उसकी हमारा रोजे खुलवाने के लिए,
और साहिल भाई अपने तरबूज काट रहे हैं। देखिए सारे भाई आ चुके हैं, दस्तखाने बैठ चुके हैं भाई, दोनों चक्कू आ चुके हैं, सामान कटना स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए अब टोटली सूरज ढल चुका है और शाम होने को आ गई है, लगभग 6:52 हो गए हैं और रोज़ा खुलने में 4 मिनट रह गए हैं। सिर्फ सामान कट गया ज़्यादातर तो काट दिया भाइयों ने, साहिल भाई ने और दुजाना भाई ने काटा सिर्फ, और कोई नहीं कर रहा, बस खाली बातें कर रहे हैं, बातें मारने परफेक्ट है। साहिल भाई अपने अनानास काट रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं। 6:57 हो गए हैं और रोज़ा अफ्तार हो चुका है। ये देखे सब भाई ने रोज़ा अफ्तार कर लिया, अब मैं भी कर लेता हूँ। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी अफ्तार रही है, इतने प्यारे व्यू के साथ सब भाई लगे पड़े हैं अपने आराम से रोज अफ्तार कर रहे हैं। और देखिए माशाल्लाह दस्तरखान भी अपना बड़ा खूबसूरत लग रहा है। तो गाइस सुजाना भाई कुछ कह रहे हैं? हाँ जी भाई साहब, समुंदर के किनारे बैठ के सैंडविच खाने का मजा ही कुछ और है। वाह अफ्तार की थ्री इफ्तारी बहुत अच्छी थी, लेकिन इसने 200 रुपए दे रखे कंट्री के अंदर वसूल करने। देखो ये कर रहा है, चलो कोई नहीं कोई नहीं, खाने खा लो। धज्जा उड़ा रखे है खाने की यहाँ पे। स्वागत नहीं करोगे हमारा रियाज भाई साहब? स्वागत नहीं करोगे? स्वागत स्वागत आपका भाई साहब। तो गाइस खाना वगैरह खा लिया है, सब भाई पीछे हैं भर लिया ऊपर तक, और फरीद भाई कह रहे हैं ऊपर तक भर लिया, बस अपनी कार की ओर चल रहे हैं। पेट फुल हो गया, चला नहीं जा रहा क्योंकि सुबह से लेके अब तक भूखे थे और एकदम से ही खाना खाना पेट भर गया पूरा, मतलब मींस अफरा फरस हो गया पेट। तो बस अब कार में जाके लेटते हैं अपने, तभी जाके सुकून मिलेगा, फिर अपने घर की ओर चलेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया मैंने शूज फ्लैट वाले डाल लिए आज, उनकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। आज हुआ क्या हो रहा हूँ, अब भी चल रहा हूँ पैरों से तो भी चुभ रहा है बार बार, बट कोई नहीं चलना पड़ेगा, फिर भी कुछ तो करना पड़ेगा, कार पे जाके मिलते हैं आपको। इतना आ चुके हैं ऊपर और थक गए हैं बिल्कुल, सांस चढ़ गया ऊपर आते आते, हालत हो गई है डोंट कहना फरीद भाई का, मेरे से ना बोला जाए, मैं थक गया अब। ओह ओह कोई ना, बट कार अपनी वो खड़ी है सामने, वहाँ तक तो जाना पड़ेगा, कार तक कोई ले जाएगा, कुछ जाना पड़ेगा। हाँ थोड़ी और। सो गाइस अब तैयार पार्टी करके अपने घर की ओर चल पड़े हैं। ये देखिए और टाइम हो रहा है 7:38 हो गए हैं गाइस, बस अपने घर की ओर जा रहे हैं। देखिए अंधेरा अंधेरा, चलो अगर कुछ इंटरेस्टिंग सा हुआ इसमें आपको दिखा देंगे, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना व्लॉग कैसा लगा आपको, कोई पार्ट अच्छा लगा उसके लिए भी एक कमेंट करना, कमेंट जरूर करना।